जय जगन्नाथ। वेलकम टू एकम रेकॉर्डिंग। पिलामने पिलामने आज हूँ संडे एंड आज ट्राए कर हंड्रेड परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर पिलामने जोटा कि आप एनटीपीसी हो एलटीआर हो डब्ल्यूएससी जो बाहर हाईकोर्ट आईएएस हो ओडिशा पुलिस जेकोसी एग्जाम हो आपण जेकोसी कंपिटेटिव एग्जाम जो दौरान तापाई ये करंट अफेयर सीरीजटा मोस्ट बेनिफिशियल हम। सो भिड को शेष जाए देखिए एंड भिडर शेष में क्विज अच्छी से अटेंड करेंगे एंड आमर यही चैनल रे ऑलरेडी एनटीपीसी आमर साइंस क्लास स्टार्ट हो सारी साइंस क्लास रो भिडटा भी जा देखिए आप निहाती आपको डिसअपॉइंट करनी जो थे कि 25 रु 30टा क्वेश्चन मुझे डिस्कस कर एंड डेली मॉर्निंग रे करंट अफेयर पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करूँ एंड आपन को गोटे सपोर्ट मत मोटिवेशन दे दिए। सो आप सपोर्ट करूँ जमी आग को आहरी भल भिड बन पार। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज टाइम वेस्ट न करी बिकॉज एवरी सिंगल स्लाइड इज इम्पोर्टेंट। सो टाइम वेस्ट करनी प्रत्येक क्वेश्चन जोटा कि आमर 100+ करंट अफेयर अच्छी जोटा डिस्कस करवा आम जोटा कि एनटीपीसी आप एग्जाम अच्छी प्लस एलटीआर अच्छी हाईकोर्ट एएसओ अच्छी प्लस ओडिशा पुलिस जेकोसी एग्जाम अच्छी तापाई मोस्ट बेनिफिशियल रो। सो मु तो यहाँ के समय भिड मुझे देखिबिनी बट आपको से पेसेंस अच्छी कि भिडटी देखापी। सो भिडटी देखिए एंड जो मैंने देखिए से मैंने कमेंट कर जनइबे जो भिडटी आपको कमी लगे। ओके स्टार्ट करवा टाइम वेस्ट न करी टू द पॉइंट डिस्कस करवा मुझे कहबी जो मैंने कहते सर आप करंट अफेयर सीरीज्रे कंप्यूटर एमसीक्यू डिस्कस कर। सो कंप्यूटर एमसीक्यू ये डिस्कस करा आगू भी आप जानते। ओके बिकज ओएससी रे देखो को टाइप कंप्यूटर क्वेश्चन भी आंड से गोटे भी टर्निंग पॉइंट आप सिलेक्शन। ओके सो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करवा टू द पॉइंट डिस्कस करी बहुत लेंथी वीडियो जदि आप देखा चाहते आपर डेली करंट अफेयर देखो से भी ये सब क्वेश्चन आमर लगभग कवर अफ हो अच्छी डेली करंट अफेयर जो मैंने देखुन से भी निहाती जनवे केमती आपको वीडियो लगुच। ओके देखा नैव सिंह सैनी देखो नैव सिंह सैनी इज द सीएम नैव सिंह सैनी बनते सीएम क्यों राज्यर नैव सिंह सैनी सोन इन एन एज द न्यू सीएम ऑफ क्यों राज्य ऑप्शन ए इट इज बिहार। ओके ऑप्शन ए हूँ कौन बिहार देजी। ओके ऑप्शन बी तेलंगाना ऑप्शन सी ओडिशा ऑप्शन डी हरियाणा। सो या आंसर हूँ हरियाणा हरियाणा नुआर मुख्यमंत्री बनते नैव सिंह सैनी क्लीयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ भी आउ बाकी जहाँ देखियार अच्छे एडिशनल सेटा आपण भिडियोटी पज करेंगे आपण आम टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करूँ से आप पीडीएफ टा पाई क्लीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन अच्छी हु इज सेट टू बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने आम भारत 51 नंबर चीफ जस्टिस किए बनते से होती किए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके ऑप्शन बी संजय संजीव खन्ना जी। ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर संजीव खन्ना हेज बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्लीयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एवं किए अच्छा से होती डी वाई चंद्रचूड जी। ओके एंड करेंटली बनवे संजीव खन्ना जी 51 नंबर चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हू हेज बिन अपॉइंटेड एज द हू हेज बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ जेएसडब्ल्यू ग्रुप जेएसडब्ल्यू ग्रुप डायरेक्टर क्रिकेटर किए बन से होती किए सौरव गांगुली जी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सौरव गांगुली हेज बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ जेएसडब्ल्यू ग्रुप क्लीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हू हेज ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024 फेमिना मिस इंडिया 2024 किए बनते से होती किए निकिता परोल जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर निकिता परोल। ये सब क्वेश्चन आगुरी डेली करंट अफेयर डिस्कस होती जो मैंने भी आम डेली करंट अफेयर देखुन से आंसर कमेंट लिखी जन पारे। ओके सो निकिता परोल बनते कौन फेमिना मिस इंडिया 2024 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लीयर। यहाँ विषय में पढ़े चाहते आप बिल्कुल पढ़ी पारे ए टू जेड क्लीयर पढ़ी पारे। नेक्स्ट स्लाइड जी देखो हू हेज रिसेंटली रिसीव्ड आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड क्या मिली से होती इसरो चेयरमैन किए एस सोमनाथ जी क्लीयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एस सोमनाथ रिसीव कर रिसेंटली आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड क्लीयर जहाँ फोटो आप देखुच ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो इसरो चेयरमैन भी मन रखुद इसरो चेयरमैन किए इसरो चेयरमैन होती एस सोमनाथ जी इसरो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी इट इज बेंगालोर बेंगालोर क्लीयर पढ़ी पारे जे कहीं मिली अवार्ड यही सब पीडीएफ जो चाहते अपन टेलीग्राम ग्रुप इजिली जॉइन करेंगे से
आपण ए सबु जिंस ब्रीफली पाई परिबे क्लियर नेक्स्ट स्लाइड देखिबा एंड जदि आपण डिटेल्स ए सबु वीडियो देखियो चाहन देन आपण डेली करंट अफेयर हमर देखंतु सेटा निहाते आपण बेनिफिशियल होबो एटा ए सबु जहा क्वेश्चन अछि डेली करंट अफेयर नु एक्सट्रैक्ट हे कि अछि देखंतु इन अक्टोबर 2024 जेंति हमर एबे सीजीएल रे क्वेश्चन आस्थेला अक्टोबर 2024 रे ओके अक्टोबर 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज कन्फर्ड दि डिग्री ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम व्हिच कंट्री क्यों कंट्री रु रिसेंटली हमर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन मिलचे डॉक्टरेट ऑनररी ऑनररी ऑफ डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यार आंसर अल्गेरिया क्लियर अल्गेरिया इज द करेक्ट आंसर बिकॉज रिसेंटली प्रेसिडेंट तीनटा कंट्री को विजिट करथिले देखंतु से तीनटा कंट्री ना इट इज अल्गेरिया ओके अल्गेरिया एंड मॉरिशिनिया एंड मालवाई क्लियर ए तीनटा कंट्री को रिसेंटली हमर द्रौपदी मुर्मू जी विजिट करथिले अल्गेरिया मॉरिशिनिया एंड मालवाई क्लियर जो थी कि अल्गेरिया पॉलिटिकल साइंस रे तंगो ऑलरेडी डॉक्टरेट देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ ओके हेड कोच ऑफ कारो मुंबई इंडियंस रो हेड कोच भाबरे के अपॉइंट हेचन से होचन के महाले जयवर्धने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर से जने श्रीलंका प्लेयर ओके श्रीलंका प्लेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच बैंक हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर रे प्रथम किए ता ब्रांच खोलचे के बैंक इट इज एचडीएफसी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एचडीएफसी रिसेंटली तार फर्स्ट ब्रांच कोठी खोलचे सिंगापुर रे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देखि परबे डिटेल्स नेक्स्ट एंड आपण भी सजेशन दे परबे जे वीडियो को आउ को टाइप रे कले आपण बेनिफिशियल पाई परबे हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट 149 असेंबली इन इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन किए इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन रे 149 सेशन रे इंडियन डेलीगेशन भाबरे लीड करचन से होचन किए हमर स्पीकर ओम बिरला जी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर स्पीकर ऑफ इंडिया ओके ओम बिरला जी जहां को फोटो अपन देखुचन दी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एटा कोठी हे जी इट इज हेल्ड एट जेनेवा स्विट्जरलैंड ओके जेनेवा स्विट्जरलैंड बिकॉज़ इंटरनेशनल पार्लियामेंटरी यूनियन रो हेड क्वार्टर कोठी होची इट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच कंट्री has emerged as India's top import source of from April to September. April to September मासरे जदि हमें calculate करिबा केउ कंट्री माने बंची इंडिया रो टॉप इंपोर्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट इट इज चाइना क्लियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इट इज चाइना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु हैज रिटेन्ड द टॉप स्पॉट ऑन फोर्ब्स 100 रिच लिस्ट से होचंदी कि हमरा मुकेश अंबानी जी मुकेश अंबानी इंडिया रो 100 नंबर माने 100टा धनी भितरे टॉप स्थान हासिल करचंदी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो या आंसर कोन मुकेश अंबानी जी क्लियर एंड सेकंड रे अछंदी कि से होचंदी गौतम अदानी जी ओके सेकंड रे कि अछंदी गौतम अदानी एंड थर्ड रे अछंदी सावित्री जिंदल क्लियर सावित्री जिंदल थर्ड पोजीशन रे 43.7 बिलियन एंकर 116 एंकर 119 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जनरल मेडिकल सर्विस नेवी रो मेडिकल सर्विस रो डीजी के बनजन से होचन कि कविता सहाय ओके कविता सहाय ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कविता सहाय हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर कविता सहाय होचंदी सर्जन जोडा की इंडियन नेवी रो से वाइस एडमिरल पोस्ट रे अछंती नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ब्रिज हैज बीन रीनेम्ड एज कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रिसेंटली केउ ब्रिज रो ना रखा जाई छी कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु यार आंसर होची इट इज केउ ब्रिज काक्सर ब्रिज जोडा की कोठी होची इट इज लद्दाख रे होची काक्सर ब्रिज जहार ना रीनेम करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा जाय छी बिकॉज़ कैप्टन अमित भारद्वाज इंडियन आर्मी रो अफसर थिले कैप्टन पोस्ट रे थिले एंड तांकर देहांत एठी से बहुत जनों को सेफ करे समय रे तांकर देहांत घटथिला शहीद हेथिले दैट्स व्हाई काक्सर ब्रिज रो ना रखा जाय छी कोन कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखंतु हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रे स्पेशल सेक्रेटरी भाबरे के अपॉइंट हिचंदी से होचंदी के प्रवीण वशिष्ठ
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां का फोटो अपन देखुछन सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण वशिष्ठ हैज बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर एठी मोर गोटे क्वेश्चन रहिबो हु इज करंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यार आंसर आपण कमेंट लिखी जणेबे। क्लियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर नेक्स्ट हुई स्टेट्स केउ राज्यर हर्षली एंड गुंजी विलेज हैव बीन कन्फर्ड विथ 2024 बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपिटिशन अवार्ड। ओके क्यों राज्यर जोटा कि हर्षली एंड गुंजी विलेज मानने कम पाई विलेज कंपिटिशन बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपिटिशन इट इज क्यों स्टेट इट इज उत्तराखंड। क्लियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड दुटा गाँ जोटा कि हर्षली एंड गुंजी ए दुटा बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपिटिशन अवार्ड रे मानने जीति। नेक्स्ट वेयर हेज नीति आयोग होस्टेड दि सेकेंड इंटरनेशनल मिथेनल सेमिनार। रिसेंटली नीति आयोग क्यों प्लेस रे सेकेंड इंटरनेशनल मिथेनल सेमिनार को होस्ट करछि इट इज एट न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन रोप्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ा एरियोस्पेस। गरुड़ा एरियोस्पेस रो के ब्रांड एम्बेसडर बनचंदी से होचंदी के एम एस धोनी जी। क्लियर एम एस धोनी रिसेंटली बनचंदी गरुड़ा एरियोस्पेस रो ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उमर अब्दुल्ला बिकम द न्यू सीएम ऑफ व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उमर अब्दुल्ला जहां को फोटो आप देखुंत से होती उमर अब्दुल्ला एंड रिसेंटली जम्मू एंड काश्मीर जेहतु इलेक्शन होता उमर अब्दुल्ला बन चाहते जम्मू एंड काश्मीर यूटी नुआ सीएम। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो एटी आउ गोटे जिन मन रखे अच्छे कौ पार्टी को बिलंग कर से पार्टी को बिलंग करते जम्मू एंड काश्मीर नेशनल कन्फरेन्स पार्टी। क्लियर एंड 16 अक्टोबर से शपथ पाठ नहीं नुआ सीएम भाव में। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल आंबासेडर बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा नेशनल आंबासेडर भाव में किए अपॉइंट से होती किए तेलुगु आपको देखिथे मुझे बॉलीवुड कही से कमेंट रे भी जन मेंशन करते सो से बॉलीवुड मूवी भी करते तेलुगु मूवी भी करते सो रश्मिका मंधाना पुष्पार हिरोइन आपड़ कहीपर एनिमल मूवी भी हिरोइन रश्मिका मंधाना जी रिसेंटली अपॉइंट होती नेशनल आंबासेडर बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द सेकंड एडिशन ऑफ सागर कवच 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट। माने सेकंड एडिशन सागर कवच एक्सरसाइज रो सेकंड नंबर एडिशन डा केउ राज्य रो कोस्ट रे द्वीप रे माने कूल रे हबो इट इज केउ राज्य आंध्र प्रदेश। क्लियर सॉरी आंध्र प्रदेश नो ऑप्शन ए इट इज गुजरात। क्लियर पूर्वरु आंध्र प्रदेश रे हितला फर्स्ट एडिशन डा ओके सेकंड एडिशन डा गुजरात रे हो जाउची देखिनियो तो फर्स्ट एडिशन जोटा हेतिला कोठी हेतिला इट इज एबे जो हम गुजरात एंड यूटी ऑफ डामन एंड ड्यू हम प्रथम जो होता देखो मुझे लिखी आप आंध्र प्रदेश में होता ओके केवे 11-12 जुलाई 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंसड फ्री डायलिसिस फॉर किडनी पेसेंट मानक फ्री डायलिसिस क्यों राज्य सरकार आनी आई हेवे क्वेश्चन जो मुझे बायोलोजी पचारी डायलिसिसटा जो आमर होता क्यों बीमारी ठीक करने चेस्टा करा जाए डायलिसिस प्रोसेसटा आप कमेंट लिखी जनवे ऑलरेडी कहीदे किडनी पेसेंट केमती से क्वेश्चन टा देखते भी रिफ्लेक्ट होती सो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस करछि से फ्री डायलिसिस प्रोवाइड करिवो किडनी पेसेंट मानक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु हैज रिसेंटली बिकम द फोर्थ इंडियन टू स्कोर 9000 टेस्ट रन। किए बनी चारि नंबर इंडियन जी कि 9000 टेस्ट रे रन हासिल करके से होती विराट कोहली जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। का इट इज प्रथम सचिन तेंदुलकर तापर राहुल द्रविड तापर सुनील गावस्कर को परे रिसेंटली फोर्थ इंडियन बैट्समैन जी कि अचीव कर 9000 रन। नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली ओन 2024 डबल आर चेस्ट मास्टर्स कप। रिसेंटली किए जीत 2024 डबल आर चेस्ट मास्टर्स कप से होती किए अर्जुन इरिगाविशी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अर्जुन इरिगाविशी जहां फोटो आप देखुं से होती जीत 2024 चेस्ट मास्टर्स कप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीएस अजय सिंह हैज बिकम द न्यू डीजीपी ऑफ कहार। आईपीएस अजय सिंह कहा क्यों राज्य नुआ डीजीपी बनते इट इज झारखंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जी हेमंत सोरेन रिसेंटली आईपीएस अजय सिंह जी को अपॉइंटमेंट देखते ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमिशन फॉर वुमेन। नेशनल कमिशन फॉर वुमेन रुआ चेयरपर्सन किए बनते से होती किए विजया राहतकर।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विजया राहतकर रिसेंटली अपॉइंट होती कौन नेशनल कमिशन फॉर वुमेन, एवं से यही मस चार्ज ने करेन्टली किए अच्छा से होती रेखा रेखा शर्मा रेखा शर्मा। क्लियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके रेखा शर्मा ठू मुझे कहली चार्ज नौ सी। नेक्स्ट स्लाइड जी देखो इंडिया हैज रिसेंटली डबल द ग्रांट ऑफ प्रमोट प्लांटेशन एजुकेशन टू व्हिच कंट्री। इंडिया रिसेंटली डबल करछि ग्रांट ऑफ प्रमोट जोटा प्लांटेशन एजुकेशन प्रोवाइड करछि एटा केउ कंट्री को इट इज श्रीलंका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी होछि करेक्ट आंसर। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा रिसेंटली इंडिया हैज रिफ्यूज टू जॉइन व्हिच कंट्रीज वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। रिसेंटली इंडिया रिफ्यूज कर दे जे से जॉइन करिवनि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी रे एटा केउ कंट्री इट इज चाइना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द सेकंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन विथ हाउ मेनी लाइट हाउस। सेकंड नंबर रो नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल लॉन्च होई छि 2024 रो सो एटा जो ऑर्गेनाइज होई छि केतरा टोटल लाइट हाउस को नै कि इट इज ऑप्शन ए एटा 75 लाइट हाउस। क्लियर जोटा कि हमरा सर्वानंद सोनोवाला जे कि यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग अछंती ओके से रिसेंटली एगो इनॉग्रेट करथिले। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्ड। किए बनी प्रथम महिला जिकि 50 50 इंटरनेशनल गोल्ड को अचीव करिए बाला देवी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यार आंसर हूँ बाला देवी। क्लियर एंड से बनी प्रथम महिला प्रथम भारतीय महिला जिकि 50 इंटरनेशनल गोल्ड को अचीव कर कम भी कहुए जे से होती गोल मशीन। ओके गोल मशीन बोली भी कहा जाए सम्मान दिया जाए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली हु हैज ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट 2024 कॉन्शियस चैंपियन कंपनीज अवार्ड। रिसेंटली 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड क्या दि जाए से होती किए मोहन जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यार आंसर हम मोहन जी। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टेट पिंक अलार्म हैव बीन इंस्टॉल्ड इन हॉस्पिटल रिसेंटली। क्यों राज्य में रिसेंटली हॉस्पिटल गुड़ा रे पिंक अलार्म को इंस्टॉल करा दी इट इज एट कोठी मध्य प्रदेश रे। क्लियर यार आंसर मध्य प्रदेश बिकॉज जो कोलकाता आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल जो केस होता से केस को आखि आगे रखी पिंक अलार्म को लॉन्च करा दी मध्य प्रदेश जो थी कि से अलार्म दबा जो समस्त को मेडिकल सब कर्तृपक्ष प्लस पुलिस स्टेशन को भी इनफॉर्म चली जीवो सो या आंसर कौन इट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा द 24 एडिशन ऑफ नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप वाज स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट। क्यों राज्य रे रिसेंटली 24 नंबर एडिशन रो नेशनल पारा स्विमिंग स्टार्ट हे छी इट इज क्यों प्लेस इट इज गोवा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोवा रो पानाजी रे स्टार्ट हे छी रिसेंटली 24 नंबर एडिशन रो नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर देखिवा हम एथरे के टॉप माने मेडल आनछि। नेक्स्ट साइक्लोन दाना हिट ओडिशा वेस्ट बंगाल कॉस्ट बाय 2024 अक्टूबर 2024। ओके अक्टूबर 2024 सुधा साइक्लोन रिसेंटली दाना हिट करथिला ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट रे सो दिस नेम दिस दाना दाना नेम केउ कंट्री द्वारा दिया जाइछि सो या आंसर कोन हबो इट इज कतार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम दिन जो वीडियो बनाई थी एटा साउदी अरब से बहुत जन कमेंटर भी लिखी थे। ओके से पुणी एपोलोज मागुची जे सॉरी मो द्वारा टे भूल जाइला टाइपिंग मिस्टेक भाविपार बा मिसकनसेप्शन हो जाता सो कतार देती रिसेंटली दानार ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर देखा हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ओ ट्रिपल एसएससी। ओ ट्रिपल एसएससी नुआ चेयरमैन किए बनते ओ ट्रिपल एससी फुल फॉर्म हो ओडिशा सबर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सो तार रिसेंटली चेयरमैन भाव में किए डॉक्टर ललित दास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली डॉक्टर ललित दास हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ओडिशा सबर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। क्लियर नेक्स्ट प्रभा सुबियांटो। ओके प्रभा सुबियांटो हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। क्यों देशर नुआ राष्ट्रपति किए बन प्रभा सुबियांटो इट इज क्यों कंट्री इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर इंडोनेशिया रो नुआ राष्ट्रपति भाव में किए बनी प्रभो सुबियांटो। ओके सो इंडोनेशिया विषय जो देखा आम इंडोनेशिया करेन्सी होची इंडोनेशिया रुपी एंड कैपिटल होची जकार्ता। क्लियर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, इंडियन रेलवे ओके इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फ्रॉम 120 टू हाउ मेनी डेज। माने पूर्वरु 120 दिन पूर्वरु आपण रिजर्वेशन करि पड़तले बट एबे आउ करि परबेनी, एबे सेटा केते दिन हे जाइछि, यार आंसर होछि 60 डेज। 60 डेज हे जाइछि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रे अमेंडमेंट करछि, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज 60 डेज। क्लियर। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन हॉकी इंडिया लीग एक्शन। हॉकी इंडिया लीग रो सबटु मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के बंदन से होचंदी के हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यार आंसर होची हरमनप्रीत सिंह। यांको तो आपण देखिथिबे ओलंपिक रे भी ओके से कैप्टन भी थिले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, हु बिकम द सेकंड इंडियन वुमन टू इंट्रोड्यूस्ड इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम को इंडक्टेड हेतिबा सेकंड भारतीय महिला के बनचंदी, से होचंदी के नीतू डेविड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज नीतू डेविड, ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नीतू डेविड बिकम सेकंड इंडियन वुमन टू इंडक्टेड द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट, हु विल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इंडियास फर्स्ट इंडिजिनियस बुलेट ट्रेन। रिसेंटली किए डिजाइन करचंदी एंड मैन्युफैक्चर भी करचंदी कोन इंडियार प्रथम इंडिजिनियस बुलेट ट्रेन, इट इज बाय बीईएमएल। ओके यार आंसर कोन बीईएमएल। क्लियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड प्रथम गरी इंडिजिनियस बुलेट ट्रेन बनाव जाउची। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियास रैंक इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सपोर्ट टू यूनिसेफ। यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन देखि नंतु यूनिसेफ रो फुल फॉर्म, इट इज यूनाइटेड नेशन नेशन चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इमरजेंसी फंड फंड। सो यार रिसेंटली इंडिया रैंक केते, इंडिया रैंक होची फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी थर्ड। क्लियर। थर्ड होची इंडिया रैंक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, यूनिसेफ विषय तो ऑलरेडी देखिले, यूनिसेफ रो फुल फॉर्म भी इंपोर्टेंट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज बिकम 17 टू साइन ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विथ इंडिया। रिसेंटली क्यों कंट्री 17 नंबर जे की साइन करछि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विथ इंडिया, इट इज के कोलंबिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यार आंसर हबो कोलंबिया। क्लियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस रिसेंटली इंस्टॉल्ड एक्स बैंड रडार। रिसेंटली क्यों यूनियन मिनिस्टर, सॉरी यूनियन मिनिस्टर तो देखिले हमें क्यों, वेयर हैज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, माने अर्थ साइंस रो यूनियन मिनिस्ट्री क्यों जगह रे एक्स रडार एक्स बैंड रडार को इंस्टॉल करबो, इट इज एट क्यों प्लेस, इट इज वायनाड। वायनाड जोटा केरल अच्छे से जेहतु एत बड़ फ्रॉड देखा जाता सो से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंस्टॉल कर डिसाइड कर ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज वायनाड। देखिपर एटा पढ़ीपर आप। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जूरी मेंबर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल, मतलब ए एल टी ई एफ एफ 2024। सो रिसेंटली किए पढ़ से होती किए दिया मिर्जा जी। क्लियर। सो या आंसर कौन हम दिया मिर्जा, दिया मिर्जा। क्लियर। अंको बॉलीवुड मूवी रे देबी देखि दिबा आपण। नेक्स्ट, व्हिच रबी क्रॉप हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी फॉर 2025 टू 26। 2025 रो 24 हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ एमएसपी हो जाउची, सो केउ रबी क्रॉप एटा रिसीव करछि, इट इज ऑप्शन सी, इट इज रैपसीड एंड मस्टर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज रैपसीड एंड मस्टर्ड, जोटा कि यही दुटा रबि क्रॉप रिसेंटली हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ एमएसपी 2024 टू 25 सेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच दिल्ली मेट्रो लाइन हैज गिवन कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट। कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट रिसेंटली क्यों दिल्ली मेट्रो क्यों लाइन रिसेंटली गिवन कर, इट इज क्यों लाइन ब्लू लाइन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज ब्लू लाइन। क्लियर। या आंसर ब्लू लाइन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज लॉन्च्ड द स्कैम से बच्चो कैंपेन। रिसेंटली क्यों किए लॉन्च करछि एटा स्कैम से बच्चो कैंपेन, इट इज लॉन्च्ड बाय कहा द्वारा, ऑप्शन
यही देखा राइट आंसर, इट इज मेटा। क्लियर, मेटा रिसेंटली लॉन्च करती है स्कान से बच्चों कैंपेन। नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अरवा 2024 किए इनॉग्रेट करछन्दि कोन अरवा 2024, इट इज बाय ऑप्शन सी डीवाई चंद्रचूड़ जी। क्लियर, डीवाई चंद्रचूड़ जी की रिसेंटली इनॉग्रेट करछन्दि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अरवा 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एटा देखिले। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन रो नुआ एमडी एंड सीईओ के बनजंदी से होचंदी किए, आकाश त्रिपाठी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आकाश त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड ऑल गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल ऑफ टू महर्षि वाल्मीकि रेसिडेंशियल स्कूल। रिसेंटली क्यों राज्य रिनेम करछि सबुडा रेसिडेंशियल स्कूल को महर्षि वाल्मीकि रेसिडेंस स्कूल रे, इट इज ऑप्शन डी इज द कर्नाटक, यार आंसर हम कर्नाटक। क्लियर, सो ये आंसर कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्कल स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफवी, माने उत्कल स्मॉल फाइनेंस बैंक रो नुआ ब्रांड एम्बेसडर दी जण बनछन से होछन कि एमसी मेरिकॉम। ओके, एमसी मेरिकॉम एंड आ जण होछन सुनील छेत्री जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, रतापाणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज विल बी 8 टाइगर रिजर्व ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रिसेंटली रतापाणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8 नंबर टाइगर रिजर्व बनछे क्यों राज्यर, इट इज मध्यप्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जेहेतु रतापाणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोठी अवस्थित, इट इज एट मध्यप्रदेश, दैट्स व्हाई रतापाणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी द 8 टाइगर रिजर्व कहार मध्यप्रदेश रो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर बिकम वर्ल्ड्स हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन प्लेयर। इंडियन प्लेयर मानक भितर सब हाईएस्ट अधिक रैंक्ड टेबल टेनिस प्लेयर से होती किए, श्रीजा अकुला। ओके, ऑप्शन ए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यार आंसर श्रीजा अकुला। क्लियर, स्लाइड जीवा, सो देखिले से होती किए श्रीजा अकुला जी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, टे देखी निटा भी, इंडियन वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर श्रीजा अकुला बिकम द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन प्लेयर वर्ल्ड भितर एंड से रेकर्ड माने ब्रेक करछन्दि कहार, इट इज मनिका बात्रा जी। पूर्वर से वर्ल्ड नंबर 24 थिले, एबे रिसेंटली श्रीजा अकुला 22 नंबर बनछन्दि। क्लियर, 22 नंबर। नेक्स्ट, इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बायलेटरल नावल एक्सरसाइज जार नाम रहिछि नजीम अल वहार, इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओमान। इंडिया और ओमान मिसिकी ऑर्गेनाइज करछन्दि बायलेटरल नावल एक्सरसाइज जार नाम रहिछि नजीम अल वहार। क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी रो नुआ प्रेसिडेंट के बंजन से होचन के अभ्युदय जिंदल जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यार आंसर होची अभ्युदय जिंदल जहां का फोटो अपन देखु चंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कन्फर्ड विथ 2024 भायालयार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेसी अवार्ड। भायालयार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड कहा को मिलछे से होचन के अशोक अशोकन चारुविल, अशोकन चारुविल जन केरला राइटर मलयालम राइटर कह पारे, सो तक रिसेंटली 2024 वायलियर रामा वर्मा मेमोरियल अवार्ड मिली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंटर ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम। नेपाल क्रिकेट टीम रो मेंटर भाव किए अपॉइंट से होती किए पुबुडु दशानायक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पुबुडु दशानायक हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंटर ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवार्डेड विथ आईएसएसएफ मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2024। 2024 रो आईएसएसएफ मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2024 इट इज के लुइंग युकुनजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लुई युकुन हैज बीन अवार्डेड विथ आईएसएसएफ वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज लुई युकुनजी। क्लियर,
से चाइना रहा। नेक्स्ट द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग G7 कंट्रीज विल बी हेल्ड एट हिज प्लेस। प्रथम करी माने डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेई नथिला जाय केबे, सो फर्स्ट टाइम रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग होची G7 कंट्री रे, क्यों प्लेस रे, इट इज एट इटाली। क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, यार आंसर इटाली हबो। नेक्स्ट हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विथ 2024 जेएमसी गवन अवार्ड, इट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यार आंसर हो छे नारायण मूर्ति, संतनु नारायण एंड अभिनव अस्थाना। क्लियर, सो ए तीन जन जाक फोटो अपन देखु जंती, से होचन नारायण मूर्ति एंड ए होचन किए नारायण, संतनु नारायण एंड ए होचन किए जे की एक्सेप्शनल वर्क एंटर पोनियल रे रिसेंटली पाइचन, सो ऑल द अबव ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट मेमोरियल फॉर अनसंग हीरोज ऑफ मिलिटरी इंटेलिजेंस सतर्क पार्क विल बी अनवेल्ड इन व्हिच सिटी, सतर्क पार्क क्यों सिटी रे अनवेल्ड कर जाय छी, क्यों प्लेस रे, इट इज एट कोठी, ऑप्शन बी पुणे। क्लियर, सो या आंसर कोन होबा, पुणे इज द करेक्ट आंसर, पुणे कोठी अछि महाराष्ट्र रे, जो स्टेट आसीला देन महाराष्ट्र। नेक्स्ट मिशन वसुंधरा 3.0 हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, मिशन वसुंधरा क्यों राज्य में लॉन्च करा जायछि, इट इज एट क्यों प्लेस रे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज असम। क्लियर, मिशन वसुंधरा हैज बीन लॉन्च्ड इन असम। नेक्स्ट नेशनल साइंस सेंटर हैज ओपनड इट्स कोयल गैलरी इन व्हिच स्टेट, रिसेंटली नेशनल साइंस सेंटर ओपन करछि कोयल गैलरी क्यों राज्य रे, इट इज एट रांची। क्लियर, ऑप्शन ए सॉरी न्यू दिल्ली, इट इज एट न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली ओन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्यों कंट्री जीतछि, इट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज न्यूजीलैंड। क्लियर, सो यह आंसर कौन हो, यह आंसर न्यूजीलैंड ही हम। क्लियर, नेक्स्ट व्हिच स्टेट बिकम थर्ड टू लॉन्च इट्स एम परिवहन सिटीजन सेंटिनल ऐप, रिसेंटली किए बनी थर्ड राज्य जी की एम परिवहन सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च कर, इट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज केरला। क्लियर, सो केरला हूँ यार आंसर। नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली ओन यूके इलुस्ट्रेशन अवार्ड फॉर हेर वर्क मैरीगोल्ड, रिसेंटली किए यूके इलुस्ट्रेशन अवार्ड नहीं कम पर, इट इज टू क्या को, अदिति आनंद, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिसेंटली अदिति आनंद कौन नहीं यूके इलुस्ट्रेशन अवार्ड फॉर हेर आर्ट वर्क मैरीगोल्ड। क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अदिति आनंद। नेक्स्ट आईआईटी मद्रास इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लैगशिप सेंटर इन व्हिच सिटी, आईआईटी मद्रास रिसेंटली लॉन्च करछि फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लैगशिप सेंटर इन व्हिच सिटी, इट इज एट दुबई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज दुबई, दुबई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट व्हिच स्टेट रिसेंटली पास्ड ए रिजोल्यूशन अगेंस्ट 2024 वर्क अमेंडमेंट बिल, क्यों राज्य गोटे रिजोल्यूशन पास कर 2024 वर्क अमेंडमेंट बिल को लेकिन, इट इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज हरियाणा, सॉरी सॉरी गलत, हरियाणा नुह केरला गलत है जी, टाइप तो ठीक अच्छे बट रिवाइज रे गलती हो जाए कही आप बुझेली एटा भी, सो देखी निपरटा कौन हम, सो व्हिच स्टेट रिसेंटली पास्ड ए रिजोल्यूशन अगेंस्ट 2024 वर्क अमेंडमेंट बिल, इट इज क्यों राज्य, इट इज केरला। क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु हैज इनॉग्रेटेड द कर्मयोगी सप्ताह टू बूस्ट सिविल सर्विसेस स्किल, सिविल सर्विसेस मानकर स्किल बढ़ाया पई कर्मयोगी सप्ताह लॉन्च कर दिछि, सो इट इज इनॉग्रेटेड बाय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर, द्रौपदी मुर्मू लॉन्च करछन्दि इनॉग्रेट करछन्दि एंड सी3
ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ବି ଥିଲେ କ୍ଲିୟର ପପୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲା ଦେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଯିବା ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ବନିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଏସ୍ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ୍ ଜୀ ଓକେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏସ୍ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ନେକ୍ସଟ ହୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଟେଗରି ଇନ୍ 2000 ଆଟ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ଆୱାର୍ଡ 2023 ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜିତିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଟ୍ ଫିଫ୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ଆୱାର୍ଡ 2023 ସୋ ବାକି ଅପ୍ସନ୍ ଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜିତିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଟେଗରି ହିସାବରେ ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ଅପ୍ସନ୍ ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସିକିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜିତିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଟର ଆୱାର୍ଡ 2023 ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ମାଲେରିଆ ଫ୍ରି ବାଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମାଲେରିଆ ଫ୍ରି ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ସୋ ୟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ୟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଜିପ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ମାଲେରିଆ ଫ୍ରି ବାଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଲେରିଆ ଫ୍ରି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ସୋ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ମାଲେରିଆ ଫ୍ରି ବାଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜିପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଜିପ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ହୁ ହେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କାଳିଦାସ ସମ୍ମାନ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ଇୟର୍ 2023 2024ର କାଳିଦାସ ସମ୍ମାନ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ସୋ ଏହାକୁ କିଏ ଜିତିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୋ ରିସେଣ୍ଟଲି କାଳିଦାସ ସମ୍ମାନ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଜିନ୍ଦଲକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ଜିନ୍ଦଲ ଜି କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫ୍ରି ବାଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଦେଶକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫ୍ରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜିପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଇଜିପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ହୁ ହେଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ କାଳିଦାସ ସମ୍ମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସୁମନ ଏ ସରି ଅଭ୍ୟୁଦୟନ ଜିନ୍ଦଲ ନେକ୍ସଟ ରଘୁପତି ଭଟ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ 18 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କେଉଁ ସିଟି ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ କେଉଁ ସିଟି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲିୟର ସୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ 18 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜ ଏଜ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ 2024 ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରେଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରେଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆଣିଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଛତିଶଗଡ଼ କ୍ଲିୟର ସୋ ଏହା ଆନ୍ସର୍ ଛତିଶଗଡ଼ ହିଁ ହେବ କ୍ଲିୟର ବାକି ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ନେକ୍ସଟ ଛତିଶଗଡ଼ ପରେ କିଏ କେରଳା କ୍ଲିୟର ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଇକୋନୋମି ରିଭାଇଭାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ଇକୋନୋମି ରିଭାଇଭାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ରିସେଣ୍ଟଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲିୟର ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଏଜୁମ୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କୋଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବିକ୍ରମଦେବ ଦତ୍ତ କ୍ଲିୟର ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ସୋ ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଏଜୁମ୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କୋଏଲ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ବିକ୍ରମଦେବ ଦତ୍ତ ଜୀ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ
नेक्स्ट देखिबा, हु हैज बिकम द न्यू टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ गूगल, गूगल रो नुआ टेक्नोलॉजिस्ट भाबरे किए रिसेंटली अपॉइंट हेचंती, से होचंती के रिसेंटली जो बाहर छि एनटीपीसी सीजीएल रो जहां भी एग्जाम अछि ता पई हेल्पफुल रहइबो। ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। सॉरी ऑप्शन डी प्रभाकर राघवन, जेतु कि आउ बनेउ नाही सो प्रभाकर राघवन मन मनचन नुआ चीफ टेक्नोलॉजिस्ट एट गूगल, क्लियर। नेक्स्ट, हु स्टेट लॉन्च्ड शिक्षा को पायलट ए डिजिटल टूल पावर्ड बाय एआई, एआई द्वारा पावर्ड शिक्षा डिजिटल पायलट को किए लॉन्च करचंदी, इट इज लॉन्च्ड बाय क्यों राज्य, इट इज केरला, क्लियर। इट इज यार आंसर केरला, क्लियर। नेक्स्ट, हु स्टेट हैज लॉन्च्ड शिक्षा को पायलट, देखिले ऑप्शन बी इज द करंट, इट इज कर्नाटका। नेक्स्ट, व्हिच टीम ओन द 2024 हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप, 2024 हॉकी इंडिया रिसेंटली सेथरी वुमेन मान जीतचंदी, सो एटा क्यों कंट्री को हरेकी सेटा इंपोर्टेंट, सो या आंसर कौन हबो, या आंसर हबो ऑप्शन सी, इट इज रेलवे बोर्ड, क्लियर, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट एवरी ईयर, प्रति वर्ष यूनाइटेड नेशन डे केबे अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 मास रे भारत छाड़ा आंदोलन पर एटा ही हेतिला, सो ऑप्शन यूनाइटेड नेशन डे एडब्ल्यूएल। नेक्स्ट ऑप्शन 1 एंड 2, ओके अक्टूबर 25, ओके नेशनल हमरो यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर रे माना जाए, क्लियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिबा, सब्सक्राइब करियो भूलियो नि पिला माने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दो, यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट एवरी ईयर, प्रति वर्ष यूएन डे के माना जाए, ऑप्शन सी इट इज अक्टूबर 24, क्लियर, अक्टूबर 30। नेक्स्ट, यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, सॉरी टू मार्क द बर्थ नो द टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ एंट्री 1945 इन यूनाइटेड नेशन चार्टर्स, ऑन 24 अक्टूबर 1945 शॉर्टली आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर द यूएन चार्टर केम इनटू फोर्स व्हिच इज कंसीडर्ड द ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ ऑफ यूएन, क्लियर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यार आंसर अक्टूबर मास 24 तारीख रे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, सो वर्ल्ड पोलियो डे एवरी ईयर पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन केबे, इट इज आल्सो 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। प्रति वर्ष पोलियो डे जोडा पोलियो छुआ बेले समस्त को दिया जाय थाए, तो से डेटा को कोमेमोरेट करके प्रति वर्ष अक्टूबर मास 24 तारीख रे वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व करा जाउची, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ए वर्ष थीम तो किछि आरो नाही, बट 1985 रे हमरो जी आर फाउंडर थिले बायोलॉजी रे, एही क्वेश्चन टा डिस्कस करियो, पोलियो रो फाउंडर के थिले, पोलियो रो फाउंडर थिले जोनास सॉक जी, जोनास सॉक जी ताको बर्थ एनिवर्सरी को प्रति वर्ष वर्ल्ड पोलियो डे बोली ऑब्जर्व करा जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नव भारत दिवस इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच सिटी, क्यों सिटी रे प्रथम नव भारत दिवस ऑब्जर्व करा जाउची, इट इज एट कोठी, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच कंट्री इमर्ज्ड एज द टॉप बेस्ट ऑन फाइलिंग पेटेंट रिलेटेड टू 6G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी को पेटेंट करके क्यों कंट्री इमर्ज करछ टॉप बेस्ट ऑन फाइलिंग पेटेंट्स, इट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कौन यार आंसर हबो, इट इज चाइना, क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट जीवा, इंडिया 6 नंबर पोजीशन रे अछि। नेक्स्ट, जस्टिस यहा अफरीदी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच कंट्री, जस्टिस यहा अफरीदी बंचन नो चीफ जस्टिस केउ कंट्री, इट इज पाकिस्तान, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑलरेडी हम डिस्कस होले जे हमर भी 51 नंबर चीफ जस्टिस के बंचन संजीव खन्ना जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पढ़ी परिबे बाकी 82, ओके। प्रेसिडेंट आसिफ अली जारदरी तंगो अपॉइंट देछन यहा अफरीदी जी को,
थर्टीन नंबर चीफ जस्टिस भाव पाकिस्तान रा। नेक्स्ट हुई स्टेट इमर्ज एज ओवरऑल चैंपियन ऑफ 24th नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप। ऑलरेडी आम भिडियो डिस्कस करते नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप कौटी गोआरे गोआ रे गोआ पानाजी रे एंड रिसेंटली यार ओवरऑल चैंपियनशिप आसो मुझे सो से आई देखो कर्नाटक कर्नाटक टॉप करते फॉलो किए करते कर्नाटक टॉप इन दिस लिस्ट फॉलोड बाय महाराष्ट्र एमएच ओके महाराष्ट्र थर्ड हूँ राजस्थान राजस्थान क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हू हेज बिकम फर्स्ट फीमेल चीफ फाइनेंशियल अफसर प्रथम महिला चीफ फाइनेंशियल अफसर भाव में किए अपॉइंट सी होती किए प्रथम महिला एचएसबीसी बैंक इट इज किए पाम कौर जी ओके पाम कौर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यार आंसर पाम कौर क्लियर। नेक्स्ट व्हिच सिटी हैज इमर्ज एज मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन ट्रैवलर इन 2025 2025 रे सबुठ इंडियन ट्रैवलर अधिक इमर्ज होती मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन एटा आम इंडिया हम गोटे सिटी इट इज शिलंग शिलंग जो मेघालय कैपिटल पूर्व बाकू थिला अजरबैजान ताको क्रॉस कर दी के शिलंग बाकी पढ़ी ने यू डिटेल्स हिं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड एग्रीड टू एक्सटेंड द करतारपुर कॉरिडोर अरेंजमेंट टिल व्हिच ईयर इंडिया और पाकिस्तान एग्री होते हैं करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट पाई सो एटा नेक्स्ट केबे एक्सटेंड केते दिन जाए हेगला इट इज 2029 रे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु हैज रिसेंटली अवार्डेड 2024 एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से होती किए से होती उर्मिला चौधरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 17 वर्ष बयस से चेष्टा कर चाइल्ड लेबर को रोकवाई सो रिसेंटली 2024 ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिली क्या ऑप्शन ए उर्मिला चौधरी जी को। नेक्स्ट लॉन्ग कोंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री लॉन्ग कोंग बन नुआ प्रेसिडेंट क्यों कंट्री इट इज क्यों कंट्री इट इज वियतनाम क्लियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इट इज वियतनाम क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखि निटा टी इम्पोर्टाट रही आप जेहेतु आम देखुं भिएतनाम भिएतनाम कैपिटाल कौन हनोई जी हनोई ओके भिएतनाम कैपिटाल हनोई करेन्सी भिएतनाम इज डोंग पीएम हम मिन छिन क्लियर। नेक्स्ट हू हेज एज्यूम्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्टर सेक्रेटरी भाव में किए बढ़ सी होती किए वि उमाशंकर जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वि उमाशंकर बनते नुआ सेक्रेटरी भाव रोड एंड ट्रांसपोर्टर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। व्हिच कंट्री हैज बिकम 69 मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इट इज क्यों कंट्री बनती 69 नंबर इज्रे मानने जोटा कि 69 नंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक इट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इट इज अल्गेरिया क्लियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अल्गेरिया। Which country has become 69 member? Option D is the correct answer. It is Israel. Clear? Next. Where has India's fourth nuclear submarine S-4 has been launched recently? It is at Kothi, Vishakhapatnam. Option B is the correct answer. Vishakhapatnam recently India's fourth nuclear submarine S-4 launched. Option B is the correct answer. Clear? Vishakhapatnam. Next. Who become first female player to play the most मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट रे मोस्ट माने अधिक मैच खेलचंदी प्रथम महिला के बने से होचंदी सुजी बेट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सुजी बेट्स क्लियर। से न्यूजीलैंडर प्लेयर सुजी बेट्स से रिसेंटली कौन करचंदी फर्स्ट महिला प्लेयर जे की इंटरनेशनल क्रिकेट रे अधिक मैच खेलचंदी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर से न्यूजीलैंडर प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ITBP observes its rising day. ITBP तार rising day केबे मनाउछि यार आंसर हबो अक्टूबर मास 24 तारीख रे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके सो ITBP observed its rising day on अक्टूबर 30 क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अक्टूबर 24। नेक्स्ट वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे प्रति वर्ष वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे अक्टोबर मास 23 तारीख रे ऑब्जर्व करा जाए क्लियर अक्टोबर मास 23 तारीख रे
क्लियर, वर्ल्ड स्नो लियोपर्ड डे। नेक्स्ट देखिए बेटा बाकी, नेक्स्ट हु हैज ओन सोलो मेडल फॉर इंडिया एट 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप रे इंडिया पाई सोलो मेडल किए खेलते किए आनी भी चंती। इट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दीपिका कुमारी। क्लियर, सो दीपिका कुमारी ओन द सोलो मेडल फॉर इंडिया एट 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड दैट इज सिल्वर मेडल। व्हाट इज इंडिया रैंक एज पर इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ 100 सिलेक्टेड करेंट अफेयर, जोटा कि आम सीरीज चलती ऑलरेडी। व्हाट इज इंडिया रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम रे इंडिया रैंक के अच्छे, इंडिया रैंक अच्छे के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 84। क्लियर 84th रे। बाकी देखने वे फर्स्ट तो हांगकांग, देन सिंगापुर, देन स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट फोर्थ रे न्यूजीलैंड, और फिफ्थ रे होची यूएस। सो ये थिला हमारा कंप्लीट 100 प्लस करंट अफेयर हमें जोटा डिस्कस करले। एबे मो पाखरे ओटे क्वेश्चन अछि जोटा कि प्रीवियस जहाँ भी एबे क्वेश्चन गलो ता ऊपर ही बेस्ड अछि। सो ए क्वेश्चन दा आंसर आपन देबे कमेंट रे। व्हिच स्टेट ओन फर्स्ट प्राइज इन स्टेट कैटेगरी एट द फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2023। फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड रो प्रथम प्राइज क्यों राज्य जीची स्टेट कैटेगरी रे। ऑप्शन आपण सामने रे या आंसर यार पीडीएफ चाहते आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करंतु, सेठु इजीली पाई परियो पिला माने पीडीएफ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो जदि भल लाइक देन लाइक करिवे, संग मन सहित शेयर करिवे, एंड जो माने चैनल प्रथम करि विजिट करछन सब्सक्राइब करिवे। जय हिंद, जय जगन्नाथ, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।